हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आरएस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को। तो वीडियो में बने रहें, पूरा देखें, क्योंकि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन 11 कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर। आपको बताना है कैपेसिटी, जो भी निकालना है लीटर में निकालना है। और कैपेसिटी, देखिए वर्ड पहले आप देख लीजिए, जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, कोई इंटीरियर वॉल्यूम जो आता है, ठीक है। जब कोई इंटीरियर वॉल्यूम होता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैपेसिटी कह देते हैं। तो यहाँ उसके डायमेंशन जो दिए गए हैं 11.2 मीटर, 6 मीटर और 5.8 मीटर, सब कुछ मीटर में दिया गया है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम, और बनाने में कितने हम ज़रूरत मुझे कितने की होती है। यहाँ कह रहे हैं कि मुझे कितने आयरन शीट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना एरिया बनाने में, उसको एक बॉक्स को बनाने में, इस तरीके से सिस्टम बनाने में कितना आयरन शीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बात करेंगे। तो पहले हम क्या कह रहे हैं, इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटी। तो आपको पता है कि जो कैपेसिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंटीरियर वॉल्यूम होता है। तो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, वो वॉल्यूम ही निकाला जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए एल बी एच, एल आपका जो दिया गया है वो 11.2 मीटर, बी आपका दिया गया है 6 मीटर और एच दिया गया है 5.8 मीटर। जो कुछ भी आएगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, लास्ट में मीटर आपको निकालना है कुछ और। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 6 और 17 हो जाएगा, ठीक है, और 6 2 12, ठीक है, 6 2 12। देखिए 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो कितना जा रहा है। या थोड़ा सा अगर इजी बनाना चाहें तो इसको मत मल्टीप्लाई करें, पहले इसको कर लीजिए। 11.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 4 6 8 होगा, 48 हो जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा, 6 5 30 होगा, यहाँ 34 आ जाएगा, 1 डेसिमल पॉइंट, अभी भी मीटर क्यूब में ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब 11.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम ऐसा कह लें कि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 34.8 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11.2 से, ठीक है। 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 होगा, 1 आ जाएगा, 8 होगा, 1 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 4 3 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और 8 4 3 सबको ऐड करने पर 9 6 और ये 17 1, यहाँ पर 10 हो गया, सॉरी ये 10 हो गया, और ये 19 1 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 3 यानी 389 जो होगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। 2 डेसिमल पॉइंट आपको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 389.76 इसका जो मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो मिल जाएगा, ठीक है, 389.6 ये वॉल्यूम मिल गया, लेकिन आपको मीटर क्यूब में मिला है। और आपको पता है कि यहाँ मीटर क्यूब से लीटर में बनाने में हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, 1000 लीटर्स होते हैं। तो यहाँ 1000 लीटर्स लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई उसे कर दिया जाएगा, तो भैया 2 पॉइंट है, 2 चला जाएगा, 1 और आ जाएगा, तो 3 8 9 7 6 और 0, यानी कितना, 3,89,760 लीटर्स जो आएंगे वो उसमें कैपेसिटी उसकी हो सकती है, इतना पानी वो होल्ड कर सकता है। अब कह रहा है ऐसा बनाने के लिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए, कह रहा है इस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे कितने आयरन शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि जब भी हम इस तरीके से कोई क्लोज फिगर बनाएंगे, देखिए क्लोज तो नहीं लिखा है, लेकिन जनरली ये क्या है, क्या क्लोज फिगर ही तो है भैया, उसमें पानी अगर हमें डालना है या कोई लिक्विड डालना है तो क्या होगा, ओपन रहेगा तो निकल जाएगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज इस तरीके से, जो भाई सिस्टम का मतलब ही होता है, आपको पता है ना, पानी वगैरह जो होता है पानी से संबंधित होते हैं। तो जब इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, मतलब मुझे जो निकालना पड़ेगा, हमें जो फाइंड करना पड़ेगा, वो उसका एलएससी या टीएससी, बिल्कुल एलएससी नहीं निकालेंगे, टीएससी निकाला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टीएसए, ठीक है, या टीएससी ना लिख करके हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड आयरन सीट, ठीक है, रिक्वायर्ड आयरन सीट, जो क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, भैया क्यूबॉइड के तरीके से तो हो गए होंगे ना, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB BH और HL, ठीक है, 2, L की वैल्यू यहां पर है 11.2, B की वैल्यू है 6 प्लस 6 इंटू
एच की वैल्यू है 5.8 प्लस 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 से, जो कुछ भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, भैया 6 को मल्टीप्लाई करने पर ये 2 होगा, 1 कैरी आ जाएगा, 6 होगा ये 7, 6 होगा 1 7 लिख दिया जाएगा और ये 6 आ जाएगा पॉइंट डेसिमल, मतलब यहाँ लिख दिया जाएंगे। इसको अभी हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अभी यहाँ पर आया था कितना 34.58, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 11.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 से, 8 उजा 16, 1 आ जाएगा, यहाँ 8 और 1 9 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, यहाँ भैया 10 आ जाएगा, 0 1 आ जाएंगे, यहाँ 5 होगा और 1 कैरी 6, यहाँ 5 आ जाएंगे, तो हेट ये 6 आ गया, ये 9 आ गया और ये 14 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो 64.96 आपको मिल जाएंगे। क्या इसके अभी हमने जो इसको मल्टीप्लाई किया, अब हमें क्या काम करना है, सभी को ऐड कर लेना है। देखिए पॉइंट के बाद में यहीं पर ही दो डिजिट हैं, बाकी सब एक डिजिट है, मतलब ये लिख दिया जाएगा 9 और 8 17 और 2 19, 1 लिख दिया जाएगा और 4 4 8 8 7 15 और 1 16, 1 कैरी आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट रहेगा, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ से 6 है और यहाँ से 6 है 12 आ जाएंगे, 3 15 और 1 कितना होगा 16 होगा, जो कुछ आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा 6 टू जा 12 1 आ जाएगा, यहाँ से 18 और 1 19 1 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 12 पॉइंट है लगा दीजिए, 12 और 1 13 1 आ जाएगा, फिर से 12 और 1 13 1 आ जाएगा, 2 और ये 3 आ जाएंगे, यानी कि मुझे जो मिलेगा यहाँ पे पूरा, ठीक है, उस इस तरीके से जो बने हुए सिस्टम हैं उसमें उसके बनाने में कितनी आयरन सीट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना एरिया लगेगा, कितना आयरन सीट लगेगा, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और इस तरीके से मुझे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड है और गोल्ड का जो वॉल्यूम दिया गया है वो 0.5 मीटर क्यूब दिया गया है, इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ सीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फाइंड द थिकनेस ऑफ द सीट। देखिए कह रहा है कि गोल्ड आपके पास है और उस गोल्ड को पीटा जाता है, खूब पीटते हैं, अब पीट करके क्या होता है, पतली चादर बनाई जाती है, उसको पीट करके एक पतली चादर बनाई जाती है जो कितना एरिया कवर करता है, 1 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। वॉल्यूम कितना दिया गया था, 0.5 दिया गया था, जबकि उसने एरिया कितना कवर किया है, 1 हेक्टेयर का कवर किया है। कह रहा है थिकनेस क्या थी उसकी, अगर ऐसे दिया गया है हैमर वर्क करके ऐसा बनाया गया तो उसमें थिकनेस उसका निकालना है। देखिएगा थिकनेस निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, एरिया है, एरिया है ना, हाँ बिल्कुल है सर, हेक्टेयर है, एरिया ही होता है, भारत में एरिया हेक्टेयर में ही नापे जाते हैं, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है उसका वॉल्यूम है, यानी अगर वॉल्यूम है यानी कितने डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन होगा, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होते हैं, जबकि 2 डायमेंशन किस में होते हैं, 2 डायमेंशन जो होते हैं वो एरिया में होते हैं, डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका थिकनेस मिल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, थिकनेस ठीक है, थिकनेस ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, उसके वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, एरिया को वो डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब, एरिया जो दिया गया है 1 हेक्टेयर, ठीक है 1 हेक्टेयर। अब आपको पता है कि जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें कितना भैया 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। देखिएगा 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के इक्वल होता है, अगर हम 10,000 मीटर स्क्वायर का ही एरिया लेते हैं तो वो 1 हेक्टेयर कह दिया जाएगा। तो क्या काम करेंगे, ठीक है क्या काम कर लिया जाएगा, 0.5, ठीक है अपान 1, 2, 3, 4, 5, अरे कितना आ रहा है, हो गया ना बिल्कुल। अब अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मीटर में मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से एक और पॉइंट हटा दो, लो जीरो हो गया, 0.5 यहाँ पर है, ठीक है अब नहीं रहेगा तो 5 रह जाएगा, एक बार देखिएगा यहाँ 5 हो गया। अब आपको पता है कि 1 मीटर जो होते हैं उसमें 1000 मिलीमीटर होता है, तो भैया 1000 मिलीमीटर में हमने लिख दिया, ठीक है अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस, भैया देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 से अगर डिवाइड करते हैं कभी तो कितना आ जाएगा, 0.05 मिलीमीटर जो होगा वो इस तरीके के
सीट को पीटने के बाद में, जो हैमर करने के बाद में जो उसका थिकनेस मिल जाएगा वो 0.05 मिलीमीटर मिल जाएगा। आपको पता है सोना जो होता है मीटर और ग्राम वगैरह ऐसा ही मिलीग्राम में लेते हैं, तो ये कितना पतला से पतला बन सकता है। और सोना, गोल्ड, गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हैमर्ड किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा पीट करके एक पतली चादर उसकी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पीट करके और मनी मिलेगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है बारिश हो रही है, नहीं, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है। रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वॉज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर देखिए रिकॉर्ड किया जाता है कि बारिश हुई। अब आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर रिकॉर्ड बारिश, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो आप देखिएगा जो डैम होता है, जो पानी जहाँ भरा हुआ होता है ना, उस पानी में एक लेवल बना होता है कितने तक पानी है ना। और जब बारिश हो गई तो पानी क्या हो गया, थोड़ा सा लेवल उठ गया। तो जो पानी का लेवल उठा, ठीक है, उसकी क्या बन गई, हाइट बन गई। अब जब भैया लेवल उठा, हाइट बनी, तो ये कितना पानी उसमें था, ठीक है, वो कुछ उसका एरिया भी था, यानी कि वहाँ पर कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले से दिया गया था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले से दिया गया था। और जब कुछ ऊपर हुआ, हाइट बन गया, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिया था, हाइट कुछ और बन गया, मतलब वो क्या बन गया, वॉल्यूम निकल के आया। तो बारिश जो हुई वो वॉल्यूम के तरीके से हुई, लेकिन जो हाइट होता है ना, उस हाइट के मेज़र के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है कि बारिश कितनी हुई है। वो सेंटीमीटर में मेज़र किए जाते हैं, बाद में उसको लीटर में चेंज कर दिया जाता है। तो क्या लिखा है, ये बारिश जो हो रही है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका क्या लिखा है, ये हाइट दिया गया है, एच जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर। भैया मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाएगा, तो 0.05, या इसको हम ऐसे कहते हैं कि 5 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा। जबकि यहां पर इसका जो एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर दिया गया है, 2 हेक्टेयर दिया गया है। 2 हेक्टेयर का मतलब कितना भैया, कितना, 20,000 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालने को कह रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना बारिश हुई है उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब भैया हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। यहाँ पर एरिया जो दिया गया है वो 20,000 दिया गया है, जबकि वॉल्यूम जो दिया गया है वो 5 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब जो भी आएगा। देखिए सारी चीज़ों को हमने मीटर में चेंज किया है, तो यहाँ मीटर क्यूब आएगा। हो सकता है कि लीटर में किया गया हो, लेकिन हम मीटर में ही करेंगे। 1 1 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 00 रह गया, मतलब इतनी बारिश जो है, ठीक है, 1000 मीटर क्यूब जो है वो बारिश इस तरीके से हो रही है। अगर इतने 5 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है और हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर का एरिया दिया गया है, तो मुझे 1000 मीटर क्यूब उसकी बारिश वहाँ पर हुई है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है, अभी तक के सभी क्वेश्चन से बहुत अलग है। अलग क्या है, आप देखें, यहाँ पर एक रिवर दिया गया है और रिवर की जो डीप दिया गया है, डीप मतलब यहाँ पर हाइट हम लिख देंगे, ठीक है, 2 मीटर हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो वाइड दिया गया है, बी जो है वो 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, मीटर ही दिया गया है, तो ये इतने मीटर वाइड दिया गया है। अब कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर के तरीके से वो बह रहा है, यानी यहाँ स्पीड दी गई है, ठीक है, तो स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। मिनट में कह रहा है, यानी यहाँ जो टाइम दिया गया है वो टाइम कितना है, 1 मिनट दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि वो हमें क्वांटिटी बतानी है कि जो पानी हर मिनट में वो सी की तरफ बह रहा है, मतलब सी की तरफ जो है इनटू सी में जा रहा है, गिर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो पहले मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेंथ उसका निकालना पड़ेगा। भैया यहाँ पर हाइट दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, लेंथ दिया ही नहीं गया, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, और हम जानते हैं कि जो हमारा स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे क्या बन के निकल जाएगा, जो टाइम होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहां हमारा उसका क्या हो जाएगा, लेंथ, कितना दूर जा रहा है, डिस्टेंस का मतलब ये हो जाएगा, लेंथ हम लिख लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम निकल आएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड दिया गया है 2 किलोमीटर
पर आवर टाइम दिया गया भैया 1 मिनट के लिए, तो हमें क्या काम कर लेंगे, ये सब भी हमारे पास मीटर में दिए गए हैं, ये किलोमीटर में है, चेंज करना पड़ेगा। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जबकि 1 आवर्स में, 1 आवर में कितना सेकेंड नहीं बताना, मिनट बताना है, कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है, यहाँ 1 मिनट में पूछ रहा है, ये कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। तो इसके बाद देखें, ये 2 किलो आवर नहीं था, ये 3 था, ठीक है, ये 3 है, यहाँ भी ये 3 लिख देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और भैया यहाँ डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 50 मीटर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यानी आपका जो L हो जाएगा, यहाँ बी एच है, यहाँ बी है, और यहाँ से आपको एल मिल जाएगा। अब जो पूछ रहा होगा मुझसे वो हम बताया जा सकता है, ठीक है, अब बताया जा सकता है, क्या पूछ रहा है इसमें, कि कितनी क्वांटिटी बह रही है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी बह रही है, तो आप देखें, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो L B H, L जो दिया गया है वो आपका 50 मीटर होगा, ठीक है, B जो दिया गया है वो 2 मीटर होगा, जबकि आपका H है वो 45 है, ठीक है, सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 100 होगा, 100 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 यानी 4500, और ये जो आएगा वो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो अगर इस स्पीड से पानी बह रही है तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4500 मीटर मीटर क्यूब मिल जाएगा जो पानी बह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कि एक अबिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू सर्टेन डेप्थ। एक गड्ढा खोदा जा रहा है और वो गड्ढा अर्थ को खोद के निकाला जा रहा है, तो अर्थ को जब वो खोदा जा रहा है तो उसकी जो लंबाई दी गई है और यहाँ चौड़ाई दी गई है, आप देख सकते हैं कि 5 मीटर और 3.5 मीटर दिया गया है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, जबकि वॉल्यूम जो निकल के आता है वहां से, मिट्टी जो निकल के बाहर आती है, जितना गड्ढा वो खोद के निकलता है वो कितना आ जाता है आपका 14 मीटर क्यूब उसमें गड्ढा खोद के निकालते हैं, उतने वहां से अर्थ को हम उतना डिग कर देते हैं, उतना बड़ा पिट हमारा बनता है। तो कह रहा है आपसे कि बताइए गहराई कितनी है, वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, वॉल्यूम मुझे पता है कि 14 मीटर क्यूब दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि हाइट उसकी डेप्थ कितनी थी, तो निकालेंगे क्या भैया, डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ द पिट, ठीक है, ये जो गड्ढा होगा उसकी गहराई कितनी है, तो भैया वॉल्यूम निकाल करके, जो वॉल्यूम निकाल करके, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिट, जो वॉल्यूम पहले से दिए के निकल के रखा उसको हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ पिट उससे डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम दिया गया है 14 मीटर क्यूब और हमारा एरिया जो दिखा है वो है 5 मीटर, भैया मीटर में दोनों है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो 5 मीटर और 3.5 मीटर, और ये है मीटर स्क्वायर, अब मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर से करोगे तो भैया मीटर ही मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से काट करके हटा देते हैं इन सभी को, ठीक है, और यहाँ देखो ये पॉइंट है रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, 35 टू जा जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप देखो ये 2 और 5 मीटर में दिया गया है, और ये 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इस बिट का गहराई हो जाएगा, चाहे ये 40 सेंटीमीटर लिखा हो या कहीं 4 मीटर लिखा होगा, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होता है, दोनों का मतलब मुझे यहाँ सेम मिल जाएगा, मीटर हो या सेंटीमीटर में हो, वैल्यूज देखो आप इनकी यूनिट को चेंज करना, ठीक है, वो आना चाहिए तब यहाँ बेहतर जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर बातें समझ पाए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।